हमीरपुर शहर में नदौन चौक पर आईपीएच विभाग के द्वारा पेयजल पाइपों को डालने के चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है और सुबह से सड़क पर वाहनों की आवाजाही धीमी गति से चलने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं यातायात जाम होने के कारण आधा किलोमीटर तक लंबा जाम भी लग रहा है, जिससे लोगों को आवाजाही करने में देरी हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आईपीएच विभाग को बीच सड़क पर पेयजल पाइपों को डालने का काम कर्फ्यू समय के बाद भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय वाहनों की आवाजाही नहीं होती है। स्थानीय लोगों ने आईपीएच विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह कर्फ्यू टाइम में मिली ढील के दौरान बीच सड़क पर काम करना ठीक नहीं है और इस कारण लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। आपको बता दें कि आईपीएच विभाग हमीरपुर के द्वारा कर्फ्यू टाइम में दी गई ढील के दौरान ही मुख्य सड़क को खोदकर पेयजल पाइपों को डालने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित होकर रह गई है। वहीं इस कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने भी गहरा रोष व्यक्त किया है। जब लॉकडाउन था या 2 बजे के बाद ये खड्डा खोद सकते हैं, इतने दिन कहाँ सोए हुए थे। 3 दिन हो गए, अभी जाम लग रहा है, सोमवार है आज, बहुत ज़्यादा जाम, नीचे चौक तक जाम लगा हुआ है। तो प्रशासन को चाहिए था कि ये लॉकडाउन से पहले खड्डा खोदे और जो भी रिपेयरें हुए उसको उससे पहले पक्ष से पहले काम शुरू करते। पर यही मांग है कि तो जो भी काम है वो जल्द से जल्द करवाया जाए, चाहे उसके लिए 5 बजे के बाद भी इनको काम करना पड़े, क्योंकि वहाँ उसके बाद 2 बजे के बाद ट्रैफिक जो है वो